जय गुरुदेव जी महाराज, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप सभी लोग गुरुदेव की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के क्रमांक में हम उन अद्भुत संकेतों की चर्चा करेंगे जो आपके जीवन में अगर होते हैं तो आप अवश्य जान पाएंगे कि अब आपकी सीरगी कैची धाम जाने की योजना बन रही है। इसके साथ साथ महाराज जी आपको अतिशीघ्र बुलाने वाले हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैची धाम जाने से पहले महाराज जी आपको कौन कौन से ऐसे संकेत देते हैं, जिन संकेतों से आप ये समझ सकते हैं कि अब आप भी कैची धाम जाने वाले हैं। वैसे तो महाराज जी अपने भक्त को हमेशा किसी न किसी रूप में दर्शन दे ही देते हैं, परंतु कैची धाम के जो अद्भुत दर्शन होते हैं उससे आपको जीवन में एक नया रास्ता मिलता है, एक नया मोड़ मिलता है और एक नया मार्गदर्शन भी मिलता है। इसके साथ साथ आध्यात्मिकता में रुचि आपके अंदर बढ़ जाती है और ईश्वर के प्रति सकारात्मक भाव जागृत होता है। कैची धाम में महाराज जी के दर्शन के लिए हर भक्त के मन में लालसा और बेचैनी रहती है। हर भक्त यही चाहता है कि कैची धाम में महाराज जी के दर्शन हमें अति शीघ्र हो जाएं, पर हर किसी के लिए ये संभव नहीं है। किसी के पास जाने के लिए व्यवस्था नहीं है, किसी के पास पैसों का अभाव है, किसी के पास समय की समस्या है, इतना भी समय नहीं होता है जिससे महाराज जी के दर्शन किए जा सके। कोई बहुत दूर रहते हैं जिससे वह कैची धाम आने में असमर्थ होते हैं, परंतु हर भक्त के मन में यही इच्छा होती है कि काश हमें भी कैची धाम में महाराज जी के दर्शन हो जाए। आज के क्रमांक में आपको हम जानकारी देने वाले हैं उन संकेतों की जो कैची धाम जाने से पहले आपको मिलते हैं या उनका अनुभव आपको होता है। चलिए बढ़ते हैं पहले संकेत की ओर। पहला अद्भुत संकेत इस प्रकार है कि अगर महाराज जी आपको सपने में दर्शन दे दें, मतलब ये है कि आप महाराज जी से अपरिचित हैं, आपने उनके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, आप उनकी महिमा को नहीं जानते हैं, परंतु आज किसी भक्त के द्वारा आपको ये पता चल जाता है कि कैची धाम एक ऐसा आश्रम है, एक ऐसी अद्भुत जगह है जहाँ पर नीम करौली बाबा जी का निवास है। बहुत से नए भक्त जो कि महाराज जी को नहीं जानते थे कि महाराज जी कौन है, परंतु अचानक से उन्हें एक सपना आया जिसमें महाराज जी की एक ऐसी छवि दिखी जिसने मन को मोहित कर लिया और महाराज जी की संपूर्ण जानकारी लेने के लिए उनका मन बेचैन होने लगा। तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा ही अद्भुत संकेत है। ये अपने आप में एक संकेत है क्योंकि महाराज जी के बहुत से नए भक्त इसी तरह से बनते हैं। वह पहले महाराज जी के बारे में अपरिचित थे, उनको नहीं जानते थे, परंतु कहीं से किसी भक्त के द्वारा उन्हें कैची धाम की महिमा और महाराज जी की महिमा का गुणगान सुनने को मिल गया। उसके बाद उनका मन इतना ज्यादा आकर्षित हो गया महाराज जी के प्रति कि हर जगह, हर चीज में, हर रास्ते पर उन्हें महाराज जी का ही स्वरूप दिखने लगता है। इसी उपरांत उन्हें महाराज जी सपने में दर्शन देते हैं। अधिकतर भक्तों के जीवन में ऐसा ही होता है। महाराज जी ऐसे ही स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिया करते हैं। सपना ही वह पहला संकेत है कि जब महाराज जी आपको सपने में दिखें, तो आप समझ लीजिए कि महाराज जी का आपके जीवन में आगमन हो गया है। महाराज जी ने आपको अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया है। महाराज जी के दर्शन के बाद अब आपका कैची धाम जाना तय है। आपको महाराज जी जल्द ही कैची धाम में बुला रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे अद्भुत संकेत की ओर। दूसरा अद्भुत संकेत इस प्रकार है, आपने अपने पूरे जीवन काल में महाराज जी का नाम कभी नहीं सुना था और ना उनकी महिमा को जानते थे, लेकिन अचानक से आपके जीवन में महाराज जी से जुड़ी बातें, उनकी महिमा, उनकी समस्त घटनाएं और चमत्कारों को यदि आप दिन प्रतिदिन पढ़ते रहते हैं या आपने कभी महाराज जी के विषय में कभी कुछ सुना नहीं था और अचानक से अब जितनी भी जानकारियां हैं, जितने भी समाचार हैं,
आप देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से महाराज जी के किसी भक्त के मुंह से या अन्य किसी संचार के जरिए, तो आपको महाराज जी की खबरें, महाराज जी के ही समाचार सुनने को मिल रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि अधिकतर समाचार महाराज जी से संबंधित आ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए ये एक बहुत बड़ा महाराज जी का संकेत है। महाराज जी आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपने अपने किसी मित्र या अपने किसी रिश्तेदार के मुंह से सुन लिया, आपने किसी भक्त के या किसी महात्मा के मुख से महाराज जी का नाम सुन लिया, आप अखबार पढ़ते हैं तो उसमें महाराज जी के बारे में पढ़ लिया, आप किसी भी माध्यम से महाराज जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या आपको महाराज जी की नई नई बातों का पता चलता है, तो ये सब महाराज जी की ही लीला है जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। महाराज जी खुद कहा करते थे कि हम अपने भक्तों का चयन खुद करते हैं। ये पूर्णतया सत्य है कि आप महाराज जी को अपने जीवन में नहीं लाते हैं, महाराज जी खुद आपको अपने जीवन में लाते हैं और अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये कृपा सब महाराज जी की है जो आपके जीवन में दिन प्रतिदिन केवल महाराज जी का ही नाम सामने आता है और महाराज जी आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब आप जल्द ही कैंची धाम जाने वाले हैं और महाराज जी के दर्शन करने वाले हैं। अब चलिए तीसरे अद्भुत संकेत की ओर बढ़ते हैं। तीसरा अद्भुत संकेत इस प्रकार है, यदि आप हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, आप हनुमान जी में बहुत विश्वास करते हैं, आपकी आस्था हनुमान जी में अटूट है, तो आप समझ लीजिए कि जितनी अटूट आस्था आपकी हनुमान जी में है, यही हनुमान जी की अटूट आस्था आपको महाराज जी से एक न एक दिन जरूर मिलाने वाली है। हनुमान जी और महाराज जी एक ही रूप में माने जाते हैं। अगर आपकी हनुमान जी के प्रति आस्था बढ़ रही है, उनके प्रति आपका लगाव भी अब बढ़ रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये महाराज जी का ही स्वरूप है जो आपको अपनी ओर ले जा रहा है या अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हनुमान जी और महाराज जी दोनों सेवा के भाव को ही सर्वप्रथम स्थान देते हैं। दोनों में एक ही गुण समाये हुए हैं। हनुमान जी और महाराज जी हमेशा सेवा के लिए जाने जाते हैं। सेवा ही मनुष्य का परम धर्म है। तो समझ लीजिए कि अगर हनुमान जी में आपकी अटूट आस्था और अटूट विश्वास बढ़ रहा है, तो ये भी सब महाराज जी का ही आशीर्वाद है। आप जीवन में अपने सदैव हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं, तो आप समझ लीजिए कि एक ना एक दिन आपका कैंची धाम सीर जी जाना तय होगा। ये भी आपके लिए अद्भुत संकेत है। आपके अंदर हनुमान जी की आस्था का बढ़ना और उनसे अत्यधिक लगाव, यही संकेत दर्शाता है कि महाराज जी आपसे सीरगी अपने दर्शन कैंची धाम में देने वाले हैं। अतः अब आपको अति सीर कैंची धाम बुलाने वाले हैं। अब चलते हैं चौथे अद्भुत संकेत की ओर, जो इस प्रकार है, अगर सपने में आपको बांदरों के दर्शन हो जाते हैं, ये भी बहुत शुभ संकेत है। आप सब जानते ही होंगे कि महाराज जी और हनुमान जी एक ही स्वरूप है। बानर भी हनुमान जी का ही स्वरूप है। सपने में अगर आपको बानर दौड़ते हुए, भागते हुए या फिर फल खाते हुए दिखे, तो आपको समझना चाहिए कि ये सब हनुमान जी और महाराज जी की कृपा ही है। इसके साथ साथ अगर सपने में आप मंदिर गए हैं और वहाँ मंदिर में हनुमान स्वरूप बानर के अगर आपको दर्शन होते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि जल्द ही आप कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन करने वाले हैं। महाराज जी ने आपको अपने पूरे जीवन में अब उतार लिया है, अतः जल्द ही महाराज जी आपको कैंची धाम में दर्शन देने वाले हैं। ये थे चार अद्भुत संकेत। अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में देख रहे हैं या इन संकेतों का आप जीवन में अनुभव कर रहे हैं, अब आप निश्चित हो जाइए, खुश हो जाइए, क्योंकि ये महाराज जी की मेहरबानी है। आप अति शीघ्र ही कैंची धाम जाने वाले हैं और महाराज जी के दर्शन करने वाले हैं। ये सब महाराज जी का आपको बुलाने का संकेत है जो आपको सपने में दिखे हैं।
आपका कैची धाम सीर की जाना सुनिश्चित होगा और आप वहां महाराज जी के अद्भुत दर्शन कर पाएंगे। इस क्रमांक से आपका कैची धाम जाना सीर की तय होगा, क्योंकि महाराज जी आपको अति सीर बुलाने वाले हैं। ये थे बाबा जी के चार अद्भुत संकेत जो बताते हैं कि आप कैची धाम जाने वाले हैं। इसी के साथ अब वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सियाराम।